नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे एक नई जर्नी के साथ। और मैं हूँ अभी गोरखपुर स्टेशन पे और हम जा रहे हैं नेपाल। तो अभी सबसे पहले हम गोरखपुर आए हैं, यहाँ से फिर हम सनौली बॉर्डर जाएंगे। सनौली बॉर्डर के लिए बस देखते हैं बाहर निकल के कि कितने की है और कैसे जाना है। उसके बाद फिर सनौली बॉर्डर से हम जाएंगे नेपाल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाहर बस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वैसे मोस्टली और यहाँ से किराया जो है बहुत सस्ता है, 130 से 140 रुपए है नेपाल बॉर्डर जाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ से हम देखेंगे कि बस स्टैंड कैसे जाया जाए, क्या जुगाड़ है भाई। वैसे 500 मीटर है, आप पैदल भी जा सकते हो बिना किसी ऑटो के। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप पैदल ही चले जाएँ, वही सबसे बेटर है। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे आते ही आपको यहाँ बहुत सारी बस खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको सनौली बॉर्डर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी। हमें ये वाली बस मिली है जो सनौली बॉर्डर जा रही है और 130 रुपये किराया बोल रहे हैं कि 130 रुपये लगेगा सनौली बॉर्डर का, और 2 से 3 घंटे का सफ़र मान लीजिए। बस तो ठीक है, प्राइवेट जैसी लग रही है, पर कोई नहीं, चलते हैं। पर गर्मी बहुत है, क्या करें। ये बस है जो सनौली बॉर्डर के लिए जाएगी। सही बनी है बस। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक महाराणा प्रताप करके चौराहा है, तो यहाँ से आपको सनौली बॉर्डर के लिए बस मिल जाएगी डायरेक्ट, जो आपको 130 रुपये चार्ज करेगी और 2 से 3 घंटे लेगी यहाँ से जाने के लिए। पर ये कि वो भर के जाएगी ये पूरी, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल लेके जाओ। या फिर यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी सनौली बॉर्डर के लिए, अगर आप ज़्यादा लोग हो तो शेयरिंग टैक्सी भी करके जा सकते हो, जिससे क्या है आपको इजी रहेगा। अगर आपको जल्दी ऐसे 4-5 लोग हो तो आप यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हो, वो आपसे 250 से 300 रुपये चार्ज करेगी पर सवारी के हिसाब से। और अगर आप ज़्यादा लोग हो तो वो आपको शेयरिंग में हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये आपको ऐसे टिकट दे देंगे एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश परिवहन पर, ये प्राइवेट बस है और ये 130 रुपये चार्ज कर रही है सनौली बॉर्डर का। पर इन्होंने ऐसे उत्तर प्रदेश राजस्थान राज्य सरकार प्रवीण का बना रखा है, पर लग नहीं रहा ये कि गवर्नमेंट बस है, बट ये प्राइवेट बस है। तो आप ये बस ले सकते हैं चीप प्राइस है सनौली बॉर्डर तक की। अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं तो यहाँ से आप प्राइवेट बस में जो लेके आएंगे वो यहाँ आपको उतार देगी, और यहाँ से कम 2 किलोमीटर आपको पैदल घसीटना पड़ेगा। तो जितने भी लोग जो बताते हैं कि बहुत डायरेक्ट यहाँ से जो गोरखपुर से बस है वो यहाँ डायरेक्ट सीधे बॉर्डर पर उतरती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस स्टैंड बना हुआ है प्राइवेट वाला, तो यहाँ से आपको बस यहाँ ड्रॉप कर देगी, यहाँ से फिर आपको ऑटो करके या रिक्शा करके आपको सनौली बॉर्डर तक जाना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं ऑटो का कि क्या है ऑटो का। ये जो है वो अपना इंडिया का फ्लैग बना हुआ है, ये गेट है यहाँ से बस जाना है। और ये आपसे आईडी वगैरह पूछेंगे कि आपकी आईडी क्या है, और वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ कोई, आप नॉर्मली जाइए। और पूरा यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, ये नेपाल का जो गेट है वो एंट्री गेट है, और यहाँ पे है शायद कहीं इंडियन एम्बेसी का जाने का, वो देखना पड़ेगा किधर है। और ये आप जो देख रहे हैं सामने वो है नेपाल बॉर्डर का गेट, इस गेट को पार करो और सीधा नेपाल। जी आप कहाँ से आए? आगरा से, इंडिया से आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? आप लोग कितने आदमी हो? 5 लोग होंगे हम। क्यों, क्या हो गया? तो हमें यहाँ नेपाल बॉर्डर पर रोक लिया गया है और हमसे बोल रही है आपको एटी के टेस्ट किट करवानी पड़ेगी। पर ऐसा कहीं था नहीं कि आपको एटी के टेस्ट किट की हो जाए, पर ये यहाँ पे बोल रही है आप एक बार इनका सेंटर बना हुआ है यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको एटी के टेस्ट किट मतलब का कोविड टेस्ट करेंगे, ये वही कान नाक में घुसेड़ेंगे और वो सारा सब कुछ डाल के चेक करेंगे कि क्या है। देखते हैं भाई क्या परेशानी है इनकी। तो यहाँ ये एटी के टेस्ट किट का जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है शायद, पता नहीं क्या बवाल है ये, पता नहीं अपन पता नहीं हम कुछ अजीब से लग रहे हैं इसलिए पकड़ रहे हैं। अब आइए
टारगेट हम से पूरा करेंगे। टारगेट होता हुआ ये आदमी देख लीजिए, आपको ये आदमी दिख जाए वहाँ पे बॉर्डर पे तो उससे बच के निकल जाइए बस। यही आदमी है जो पकड़ के ला रहा है, यही आदमी मेन है जो यहाँ खतरों के खिलाड़ी बनना है। देखिए यहाँ पे इस आदमी को गौर से, यहाँ पे भाई एटी के टेस्ट किट होगी। और हम ये नेपाल बॉर्डर पे थे तो हमें यहाँ पे रोक लिया है और हमको यहाँ से हमको कोविड टेस्ट के लिए बुलाया है कि भाई आप यहाँ पे आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा और ये कंपलसरी है, नहीं तो आगे आपको रोक लेंगे। वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी चेक करेंगे तो आपसे पूछेंगे आप आगे टेस्ट करवा के आए हो कि नहीं आए हो। तो ये सारी चीज़ प्रोसीजर अभी भी यहाँ चालू है टेस्ट का, वही सेम आपका कोविड टेस्ट, बट ये फ्री है, आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है तो इसका कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कोविड टेस्ट करवाना है और अपना यहाँ पे ही आपका आधार कार्ड लेंगे, नाम नंबर और आपका आधार कार्ड से नंबर डालेंगे बस, ये बाकी आपका टेस्ट करेंगे और तो आप यहाँ पे टेस्ट करवाइए और थोड़ी देर बैठना पड़ेगा जिससे पता चल जाएगी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 10 मिनट 15 मिनट आपको बिठाएंगे टेस्ट करने के बाद, उसके बाद आपको जाने देंगे। अगर आप नेगेटिव हो तो फिर आपको इजीली जाने देंगे। माय गॉड चक्कर आ गए। टेस्ट होने के 10 मिनट 10 से 15 मिनट बाद आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें आपको ये ऐसा स्लिप मिलेगी। उस स्लिप में ये आपको स्लिप आगे दिखानी पड़ेगी चेक पॉइंट पे, जब आपको वो आगे पूछेंगे तो आपको ये नेगेटिव रिपोर्ट की स्लिप दिखानी पड़ेगी तभी वो आपको एंट्री देंगे, अदरवाइज़ नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या परेशानी हो जाएगी, चाहे आपकी डोज लगी हो या नहीं लगो इनको कोई मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट भी चेक नहीं करेंगे, इनको तो सिर्फ टेस्ट करना है, वो आपका टेस्ट करेंगे और ये आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो हमने अपनी कोविड टेस्ट करवा लिया है और वो नेगेटिव आया है तो हम ये बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं अंदर नेपाल में। अब यहाँ से बस का देखते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी टैक्सी भी मिल जाएंगी पर ये बहुत उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 4,000 5,000 6,000 ऐसे आपसे चार्ज करेंगे। तो आप यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से बस देख ले, प्राइवेट बस जो चल रही है चार्ज 500 से 600 रुपये के समथिंग पड़ेगी, 1,000 रुपये नेपाली चार्ज करेंगे ये आपसे। यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेवल्स मिल जाएंगी और आपको बहुत सारे प्राइवेट टैक्सी बस भी है, सारी वॉल्वो बस भी आपको मिल जाएगी यहाँ से, पर देखनी पड़ेगी कितने बजे का टाइमिंग है उसका। चलिए मैं देखते बस कौन सी कहाँ से कैसे आपको बताता हूँ। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जो है आप जैसे नेपाल बॉर्डर क्रॉस करोगे तो यहाँ पे इंडियन करेंसी चलेगी नहीं, यहाँ पे आपको नेपाली रुपीज ही लेने पड़ेंगे। रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो आपको नेपाली करेंसी में ही मेन्यू दिया होगा, बट इन्होंने लिखा नहीं है कि नेपाली में, कि मैं पता नहीं चल रहा है। तो हमने क्या इनसे पूछा, रेस्टोरेंट के जो यहाँ पर ऑनर थे उनसे पूछा कि नेपाली में कि इंडियन में, तो उन्होंने बताया कि नेपाली करेंसी है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि कुछ खा लेते हैं। हाँ सिम बंद कहाँ हो गई, चल रही सिम तो, और करेंसी भी हम यहीं से ले रहे हैं क्योंकि हमें पहले पता था कि यहाँ पे जो करेंसी चार्ज है वो 1.6 है एक 1 नेपाली रुपीज इंडियन का। तो हम भी यहीं इनसे 5,000 की करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं जिससे कि क्या है कि जो भी खाने पीने का होगा और आगे जो हमारा नेक्स्ट का बस का किराया वगैरह होगा तो वो इजली पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ कि क्या क्या मेन्यू है। और ये सनौली बॉर्डर से थोड़ा अंदर आके कम से कम 500 मीटर आप अंदर चलोगे तो वहाँ पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, ठीक है। पर यहाँ बॉर्डर पे स्त्री बहुत ज़्यादा वैसी है, मतलब रूरल ऐसा लग रहा है कि रूरल एरिया जैसा। थोड़ा आप 500 मीटर अंदर आएंगे तो 500 मीटर अंदर आने के बाद आपको ये जो एक होटल प्रकाश करके मिलेगा, अच्छा है, एयर कंडीशनर है, प्राइस भी जेन्युइन सी है, तो ये काफ़ी बेटर है। आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट डिनर जो भी आप कर सकते हैं इजली। मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ, ये मेन्यू है, ये जो प्राइस दे रखी है वो सारी नेपाली करेंसी में है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें कि कन्फ्यूज़न में कि INR में कि नेपाली में। तो हमने इनसे पूछ लिया कि भाई ये करेंसी किस चीज़ में, तो उन्होंने बता दिया कि वो नेपाली में, जिससे कि वो चीज़ क्लियर हो गई। तो बाकी ठीक है, अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। नॉन वेज दोनों हैं और यहाँ पे आपको अल्कोहल भी सर्व हो रहा है। अल्कोहल की प्राइस है, ये इन्होंने देख रखी है, कास्बो की बियर 175 की है और किंगफिशर बियर 480 के समथिंग है। तो जेनुअन 480 अगर अपन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आराम ये 180-200 के समथिंग बियर होगी। और बाकी ये सारे इन्होंने पैक वाइन सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और ये यहाँ पे आपकी इंपोर्टेड ड्रिंक्स भी हैं, लोकल स्प्रिंट जो है इनकी, ये आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में ही है। तो हमने करेंसी चेंज करवाई है यहाँ होटल वाले भैया से, उन्होंने भी वही 160 का ही दिया है,
तो हमने 5000 की करेंसी चेंज करवाई, तो ये 8000 हमको मिल गए हैं करेंसी नेपाली में। ये 1000 का नोट है जो भैया ने हमको चेंज करके दिया है, वही आप अगर आप यहाँ बाहर भी करवाओगे तो वो भी आपको 160 का ही चार्ज करेंगे करेंसी रेट जो है। तो हमने सोचा कि बाहर जाने से अच्छा यहीं से इनसे करवा लेते, तो हमें भी यहाँ से हमने चेंज करवा ली, जो हमें 5000 के 8000 नेपाली रुपीज़ मिले हैं। इससे क्या थोड़ा बहुत हमारा खर्चा चल जाएगा, फिर हम सिटी में जाके देखते हैं वहाँ पे कि क्या रेट चल रहा है, क्या है, जो भी है जैसा होता है मैं आपको बताऊँगा। और आप अगर ATM से विड्रॉ करते हैं तो पर ATM चार्ज पे आपका 250 रुपये नेपाली रुपी चार्ज होगा जितना भी आप चेंज करते हैं। तो हमने इस होटल में लंच कर लिया था, चीप था, ज़्यादा बनिए 350 रुपये के समथिंग का हमने खाना खाया, जिसमें एक दाल फ्राई ली और रोटी थी, और कोल्ड ड्रिंक जो थी वो 120 रुपये के 120 नेपाली रुपीज़ के अकॉर्डिंग दी थी, तो मतलब कि 80-85 के समथिंग इंडियन INR करेंसी में। और अभी हम बस के लिए जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे बस का बड़ा लफड़ा है, प्राइवेट वाले बहुत हैं, बट आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग करोगे तो शायद फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हमने अभी कुछ बस वालों से पूछा था, 2-3 बस काउंटर में जाके, तो 1200 नेपाली रुपीज़ वो ले रहे हैं यहाँ से काठमांडू का, और वो यहाँ से चलेंगे 7 बजे की बस है उनकी, और 7 बजे वो सुबह मॉर्निंग 6 बजे के समथिंग वो आपको काठमांडू उतार देंगे। तो हमने यहाँ पे बस भी चेक करी, बस भी वॉल्वो जैसी ठीक अच्छी थी, और फिर हमने थोड़ी बार्गेनिंग करी भाई से, थोड़ा जुगाड़ लगाया, तो भाई ने बोला कि भाई आप ऐसा करो 1000 नेपाली दे दो हमें तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है भाई, 200 नेपाली रुपीज़ तो बची रहे। तो हमने फिर वो बस का जो है वो बोल दिया, पर पैसे वैसे कुछ नहीं दिए हमने, सिर्फ ऐसे ही बोल के उसको बुक करा लिए। अभी हम जा रहे हैं सिम कार्ड लेने, करेंसी हमने चेंज करवाई ली है, तो अब सिम कार्ड देखते हैं कौन सा अच्छा। वैसे तो यहाँ नेपाली टेलीकॉम का बता रहे हैं, अब देखते कितने का सिम कार्ड है और उसका क्या रिचार्ज है। बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ सिम कार्ड के बारे में। चलिए, तो आप जैसी सनोली बॉर्डर से आप थोड़ा अंदर आएंगे 500 मीटर पे, तो आपको ये बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बट आपको हम ये होटल, एक होटल प्रकाश, ये काफ़ी अच्छा होटल है, और इसमें यहीं से करेंसी हमने चेंज करवाई थी भैया से। और यहाँ पे आपको बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे, करेंसी काउंटर, और आपको बस वाला भी मिल, बस की टिकट भी यहाँ से मिल जाएगी। हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछा था कि बस की क्या प्राइस है, तो सारे बोल रहे थे कि 1200 नेपाली रुपीज़ है, तो वो आपको सुबह 6 बजे काठमांडू उतार देगी। तो अगर इंडिया में बात करें तो उसके 750-800 रुपये की समथिंग है सनोली बॉर्डर से काठमांडू तक का। तो देखते हैं अभी हम सिम कार्ड का कि कौन सी सिम कार्ड लें, क्या है, तो देख रहे हैं। और तो यहां पे एक परेशानी बहुत ज़्यादा है, अगर आप करेंसी लेके नहीं आते हैं तो यहाँ पे ATM का जो है वो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे एक भी ATM नहीं है सनोली बॉर्डर पे, एक या दो ATM है जिस पे बहुत भीड़ लगी रहती है, और बाकी यहाँ पे सारे प्राइवेट ATM बने हुए हैं। जैसे जो आपके 10000 पे वो 200 रुपये आपसे चार्ज करेगा अगर आप वहाँ से पैसे विड्रॉ कराते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर आ रहे हैं तो गोरखपुर से आप पैसे निकलवा के लाएं ATM से, जिससे के लिए आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हमें एक घंटा वेस्ट करना पड़ा यहाँ पे ATM से पैसे निकालने में, तो उस चीज़ से बचने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, आप गोरखपुर से ही आप पैसे लेके आएँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको ईजिली पैसा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिम परचेज कर ली है। सिम का सीन ये है कि आप अगर आपका सिम जो है वो NCell की सिम है, वो काफ़ी अच्छी बता रहे हैं यहाँ पे, और उसका प्राइस जो है वो 300 के समथिंग है, जिसमें आपको 1 GB डेटा पर डे मिलेगा, और आपको 30 रुपये, उसमें 30 रुपये नेपाली आपको बैलेंस मिलेगा, जिसमें आपका 1 GB डेटा पर डे है। और अगर आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो एक्सटेंड में आपको 50 रुपये, यानी वहीं 50 रुपये इंडियन करेंसी में 500 MB एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कि 2 GB डेटा चाहिए, तो आपको 400 रुपये INR के समथिंग पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप 1 GB की समथिंग की प्राइस ले लें। और ये जो आप पीछे मेरी दुकान देख रहे हैं, यहाँ से हमने सिम कार्ड परचेस करा है NCell की, जो हमको 350-350 रुपये इंडियन करेंसी में मिला है, जिसमें हमें 1.5 GB डेटा पर डे मिलेगा। और उन्होंने, भैया ने हमें एक चीज़ और कर दी, जो हमारे साथ में जो लोग थे उन्होंने हम दोनों की कॉलिंग को इंटरनेट, जैसे जियो की अपनी Jio2Jio फ्री है, इन्होंने यहाँ NCell को फ्री कर दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। तो हम सनोली बॉर्डर से वहाँ पे बहुत इंतजार करा बस का, पर बस हमें मिली नहीं। तो हमने फिर क्या है, यहाँ से लोगों से पूछा कि कैसे बस लिया जाए, तो उन्होंने बताया कि आप पहले भैरवा जा सकते हैं, तो पर भैरवा वहाँ से भी आपको बस नहीं मिलेगी। तो फिर हमने किसी एक पर्सन से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप भूटोल जाइए, यहाँ पे भूटोल जो है वो सिटी सेंटर जैसा है, तो वहाँ से आपको कंटिन्यूसली बस मिल जाएंगी काठमांडू के लिए, क्योंकि वहाँ से पश्चिम की तरफ से बहुत सारी बस आती है, जिससे आप बहुत सारी ईजिली आपको बस मिल जाएंगी। और ये बस में कुछ स्पीकर पे बोल रहे थे नेपाली में, जो हमको समझ में नहीं आ रहा,
बड़ी मशक्क़त करने के बाद हमें फ़ाइनली वॉल्वो बस मिल गई है। तो ये वॉल्वो बस जो है, ये इसका किराया इन्होंने लिया है हमसे 1140 रुपये पर पर्सन, और वैसे नॉन एसी में अगर जाओगे तो उसका ये 970 रुपये नेपाली रुपीज़ ले रहे थे, तो हमने सोचा 140 रुपये में क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर ये बस अच्छी है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इस बस का। सक के बाद ये फाइनली बस मिली, मैं आपको बस का इंटीरियर दिखाता हूँ। बस काफ़ी अच्छी है देखने में, पर थोड़ी कॉस्टली है। अगर आप सोलो ट्रेवलर है तो आपके लिए तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी। बाकी बस का इंटीरियर तो अच्छा बना है, ये आप देख सकते हैं। ये 1140 नेपाली रुपीज़ में मिली है हमें, जिसमें भाई टीवी भी लगी है, स्पीकर भी अच्छा खासा है। अभी हम एक बस रेस्टोरेंट पे रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये गोखी एक्स्ट्रा करके कुछ पाली वाल है, तो यहाँ पे बस रुकी है। लास्ट स्टॉप है फुटबॉल से, ये यहाँ पे रुकेगी, फिर इसके बाद ये कहीं नहीं रुकेगी, नॉन स्टॉप काठमांडू जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है भाई साहब, होटल में अल्कोहल खुले में मिल रहा है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अल्कोहल खुले में मिलेगा, और अपनी टेबल पे बैठ के पिए, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, छोटा सा रेस्टोरेंट है, मोस्टली सारी बसें यहीं रुकती हैं, और शायद प्लेट सिस्टम है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता। ये आप देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इनकी आंटी की शॉप है भाई। खुले में मिल रही है अल्कोहल पूरी, जो भी आपको चाहिए, टूबॉक की बियर भी है, यति व्यती, और ये यहाँ पे ऐसे सिस्टम बना रखा है इन्होंने बैठने का। ये यहाँ पे ऐसे वहाँ से खाना मिलेगा आपको जो भी है लेना है, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी देखने के लिए। तो ये हमको थाली मिली है 250 रुपये नेपाली रुपी में, जिसमें आपको पेट भर के खाना मिलेगा। चिकन भी है यहाँ पे, आपका रोटी भी है, चावल भी है, जो आपको खाना है वो सारा सब कुछ आपको मिलेगा 250 रुपये नेपाली रुपये में। पेट भर के खाओ, जितना मन करे उतना खा लो। वहाँ से यहाँ ये अंकल जी बैठे हैं, यहाँ से आपको टोकन कटवाना पड़ेगा। टोकन कटवाने के बाद आपको वहाँ जाके वो देना पड़ेगा, तो वहाँ से वो आपको थाली देंगे। बस थाली अपनी लेके आ जाइए, यहाँ पे फिर आपको रोटी और चावल जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको ये टेबल पे आपके मिल जाएगा। 250 रुपये वैसे ठीक है, एक आदमी के हिसाब से अगर अपन बात करें इंडिया में तो 150 रुपये के समथिंग होगा, ठीक है। पेट भर के खाना भी मिल रहा है, जितना जो खाना है इसमें। दो तरह की सब्जी दी है, एक ये पता नहीं लौकी है पता नहीं क्या, और एक ये मेथी जैसा कुछ बना रखा है उन्होंने, और एक चटनी खीरे ये दाल दे रखी है। तो फाइनली हम काठमांडू आ गए हैं 30 से 35 घंटे की जर्नी करके, और मैंने बहुत सारी वीडियो चेक करी जिसमें लोग सीधा सनोली बॉर्डर दिखाते, सनोली बॉर्डर से सीधा काठमांडू दिखा देते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सनोली बॉर्डर आ रहे हैं बाय लैंड, तो सनोली बॉर्डर से आपको कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं काठमांडू आने के लिए। तो और अगर वहाँ पे आपको बस मिल गई ऑन टाइम, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है, बहुत ज़्यादा बस का प्रॉब्लम है वहाँ पे। एक तो एक्चुअली बस जो है वो ईजिली मिलती नहीं है वहाँ पे, मोस्टली नॉन एसी बस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, जिनका आपका 900 से 1000 नेपाली रुपीज़ आपसे वो चार्ज करेंगे। और अगर आप वॉल्वो में जाओगे, मतलब कि एसी बस लोगे, तो वो आपसे 1200 या 1250 नेपाली रुपीज़ का चार्ज बताएंगे। तो हमने भी वहाँ पे बहुत सारी बस का ट्राई किया, तो वहाँ पे हमें वॉल्वो बस नहीं मिली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हमें कम से कम 24 घंटे ट्रैवलिंग करते हो गए थे, क्योंकि हम आगरा से पहले गोरखपुर आए, फिर गोरखपुर से हमने वहाँ से बस करी, वहाँ से 3 घंटे हमें सनोली बॉर्डर के लगे। फिर सनोली बॉर्डर पर इतना, एक तो वेदर बहुत बेकार था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, तो फिर हमने वहाँ पर बस चेक करी। तो बस चेक करने के बाद हमें वहाँ पे कोई अच्छी बस नहीं लगी, सारी बस ऐसी थी। मोस्टली सारे लोग बोल रहे थे नॉन एसी में चले जाओ, वेदर अच्छा है वहाँ पे, 26 किलोमीटर बाद वेदर अच्छा मिलेगा आपको। ये सारी वहाँ की बातें झूठी हैं, आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। आप खुद वहाँ पे वॉल्वो बस चेक कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि उनके वहाँ की सीट भी अच्छी होती है, आप आराम से अपने ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर नॉन एसी में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वॉल्वो को ही प्रेफर करें, 200-250 नेपाली रुपीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको कम्फर्ट एक मिल जाएगा, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। उसके पर्सन से पूछा तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप वहाँ पे भूटोल बस स्टैंड चले जाइए। भूटोल यहाँ पे क्या है, एक छोटा सिटी मान लीजिए, तो वहाँ पे एक बस स्टॉप है,
बस स्टैंड जैसा जैसा अपने इंडिया अपने इंडिया में होता है, तो हम वहाँ पे 70-80 नेपाली रुपीज़ देखे हम भूटोल पहुँच गए, जो 25-30 किलोमीटर के समथिंग है सनोली बॉर्डर से। वहाँ से आपको कंटिन्यूसली बस मिल जाएंगी काठमांडू के लिए, पोखरा के लिए, जहाँ भी आपको जाना है, तो वहाँ से कंटिन्यूसली बस मिल जाएंगी। और आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे, वहाँ पे भी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको बार्गेनिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे लोग प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, बट आप उनको बोलो कि नहीं हमें तो इतने प्राइस में जाऊँगा, आपको चलना है तो चलें, तो वो आपको बार्गेनिंग में मान जाएंगे। तो आप अब जब भी अगर नेपाल घूमने आ रहे हो तो अभी बार्गेनिंग जरूर करें। तो हमने बार्गेनिंग करके हमने वहाँ से 1140 रुपए की वॉल्वो बस ली, जो यहाँ मेरे को काठमांडू बस स्टॉप पे उतार दिया। यहाँ पे बस स्टैंड जो है वो, यहाँ पे बस स्टैंड को बस पार्क बोलते हैं, तो हम यहाँ काठमांडू बस पार्क पे उतरे। तो फिर हमने यहाँ से होटल चेक किया, तो होटल और हॉस्टल दोनों दिए, तो बहुत सारे दूर दूर थे, क्योंकि हमें मेन सिटी में चाहिए था। जैसे यहाँ पे सिटी सेंटर एक मेन एरिया है जहाँ पे हमने होटल लिया है, तो सिटी सेंटर में यहाँ मेन जो है, यहाँ से आपके लिए पशुपतिनाथ टेम्पल भी पास में, प्लस आपका यहाँ से नाइट लाइफ अगर आप जाना चाहते हो तो नाइट लाइफ भी आपका यहाँ से पास में वॉकिंग डिस्टेंस में। तो हमने यहाँ पे ओयो में चेक किया होटल, तो ओयो में हमें अराउंड 2000-2500 के समथिंग नेपाली रुपीज़ में हमें यहाँ पे होटल मिल रहा था। हमें एक अच्छा सा होटल दिखा, तो हमने उसको सर्च किया। उसको सर्च करने के बाद फिर हमने वहाँ पे पूछा लोगों से कि ये कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया 2-2.5 किलोमीटर है। तो हम बहुत ज़्यादा थके थे, तो हमने टैक्सी बुक कर ली। टैक्सी अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो यहाँ पे एक पथाव करके एप्लीकेशन है, जो आप इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं, एज अपने जैसे इंडिया में ओला और उबेर चलती है, तो वो भी आप यूज़ करके यहाँ पे आ सकते हैं। और तो वहाँ से हम आए, तो हमें 350 नेपाली रुपीज़ लिए जिन टैक्सी वाले ने, तो हमें यहाँ होटल के पास ड्रॉप कर दिया। ये होटल हमने ओयो पे पहले चेक कर लिया था प्राइस वाली सारे सब कुछ, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ होटल पे आ गए। तो हमने डायरेक्ट रिसेप्शन में बात की कि भाई हम इतने लोग हैं और हमें रूम चाहिए, तो हमने पहले रूम भी चेक कर लिया, सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद हमने बोला कि आप बताइए फाइनल प्राइस, तो उन्होंने हमें 1600 नेपाली रुपीज़ पर नाइट का हमें रूम दिया, जिसमें एयर कंडीशन बाकी सब ठीक है, रूम अच्छा है काफ़ी। तो हमने यहाँ रूम बुक कर लिया है और अभी हम थोड़ा रेस्ट करके, नाश्ता वास्ता करके रेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे पशुपतिनाथ टेम्पल। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में, कि वहाँ कैसे जाया जाए और क्या क्या है वहाँ पे, वो आप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा बताऊँगा। Yeah!